पकड़े अंडे तो धक्के खा लिए जी खूब जमा खूब छक्के धक्के जमा छक्के धक्के खा के बैठ गए फिर यूट्यूब पे वीडियो देख के और जब आए थे फर्क पड़ा पूरा फर्क है जी पूरा फर्क जमा फिट हो गए अच्छा हाँ जी सारी समस्या हट गई हाँ जी क्या बात है चेहरा बता रहे हैं आपका शादी के कितनी साल बाद में हुए थे 14 साल बाद जी शादी के 14 साल बाद में दोनों बच्चे हुए थे एक एक साल का फर्क है जुड़वा आई जुड़वा आया जी जुड़वा दो कट्ठे दे दिए बाबा ने हाँ भाई वाह लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे बाण भाइयों मंगत राय लांबा की राम राम नमस्ते जय हिंद बाणोर भाइयों फिलहाल खड़े हम भोले बाबा के दरबार में बड़ौता धाम में गोहाणा के पास गोहाणा से सोनीपत रोड पर बड़ौता और आज है रविवार का दिन संडे है एतवार और आज जो प्राय मानसिक रोगी जो भी हैं प्रेतवाद आए उनका दिन होता है ये संडे को और यहाँ पर क्या वास्तव में इनका इलाज है क्या वास्तव में ओपरी पराई जो भी प्रेत बाधाएँ होती हैं जो भी कुछ भी समस्याएं होती हैं मानसिक रूप से क्या उनका बाबा जी इलाज करते हैं कैसे करते हैं क्या कोई ठीक होके गया है कितने लोग आए हैं भक्तजन जो आए हुए हैं इनमें से हम पूछेंगे कि भाई किसको आराम हुआ है आने से कोई समस्या ठीक हुई है या नहीं हुई हम जनता से पूछते हैं जनता की बातें जनता तक पहुँचें और सच पहुँचें यही हमारा प्रयास रहता है और आज भी हम इसी प्रयास के तहत यहाँ पर आए हैं कि संडे को जो चीज़ें होती हैं बहुत से लोगों के फ़ोन आते हैं भाई मेरे इतनी साल से प्रेत बाधा है इतनी साल से है मैं हर एक जगह जा लिया कोई समस्या हल नहीं हुई तो यहाँ कितनी कितनी साल की समस्याएँ हल होती हैं हम लोगों से पूछेंगे लोग बताएँगे और वही बात हम सच कहते हैं हम किसी बाबा की या और किसी की नहीं मानते हम अपने पास से कुछ नहीं कहते हम किसी चीज़ की पुष्टि नहीं करते कि यहाँ पर ये होता है जो जनता कहती है जनता की आवाज़ आप तक पहुँचाते हम और सच पहुँचे यही हमारा प्रयास रहता है तो आइए मैं बातें करवाऊँगा आपका फिलहाल गुरुजी बैठे हैं बाबा भोलेनाथ जी बाबा का दरबार में और लोग बाग आए हुए सभी जो है संकट के रूप में किन किन को क्या संकट था कितने ठीक हुए हैं ये सभी बातें मैं करवाऊंगा आप लोगों से भाई बताइयो मने क्या वास्तव में बाबा जी उरे आन तक किसी का संकट ठीक होया है नहीं होया झूठा प्रोपगंडा तो नहीं करे हैं मैं सच दिखाता हूँ न दबो न घबराओ पैसे तो नहीं लेते हैं आपसे लूटते तो नहीं हैं भाई और सरकार से और कई बाबे हैं 11,000 दे दे 21,000 दे दे 51,000 दे दे ऐसा तो नहीं करते हैं आप लोग बताएंगे और बताना चाहिए आप लोगों को सच बताएं ताकि और माताएं बहनें और जो भाई आएं उनको पता चले कि यहाँ पर इलाज होता है या नहीं होता है मेरा मकसद यही है मुझे किसी चीज़ से वीडियो बनाने से अकेला ये मकसद नहीं है मेरा मकसद है कि लोग ठीक हों 100 लोग आएँ तो 50 भी ठीक हो जाएँ 40 हो जाएँ 60 हो जाएँ कुछ तो ठीक हों तो यहाँ पर कोई आया हो 2-3 बार एक बार बताएं मेरे को आज मेरे कैमरामैन हैं भाई अमित कुमार हाँ बेटा हाथ नीचे करो बेटा थोड़ा सा अच्छा अच्छा हाँ जी कहाँ से हैं बल्लभगढ़ से तो आप कितनी साल से आ रहे हैं मुझे जी 10 साल हो गए यहाँ तो हाँ जी क्योंकि बच्चे बता रहे हैं तो काफ़ी साल हो गए होंगे मैंने अंदाज़ा लगाया इस बात 10 साल हो गए जी 10 साल से जुड़े हैं आप तो ये बच्चे यहीं की देन है हाँ जी यहीं की देन शादी के कितनी साल बाद में हुए थे 14 साल बाद जी शादी के 14 साल बाद में ये दोनों बच्चे हुए थे एक एक साल का फर्क है जुड़वा जी जुड़वा दो कट्ठे दे दिए बाबा ने बहुत बढ़िया देखिए भाई दरबार में खुशी मिले तो इस तरह मिले गदागद और बहन जी को दो जुड़वा मिले बच्चे यहाँ से 14 साल बाद में तो यहाँ जैसे शुरू में आए आप कितने दिन बाद में खुशी मिल गई थी आप एक साल बाद में बच्चे हो गए थे बहुत बढ़िया तो अच्छा हाँ जी पहली बार में पहले जागरण पे जब पहला जागरण हुआ था अच्छा, आने से उसी में अच्छा, तो अब ये तीनों बच्चे आपके हैं अच्छा तो अभी तो वैसे खुशी से आते हैं हाँ जी खुशी से अब तो कोई समस्या तो नहीं होगी नहीं कुछ भी नहीं अच्छा, तो आज तो संडे है आज तो भूत प्रेत वाले आया करें आप देखो जी जिस दिन छुट्टी होगी उसी दिन तो आएंगे अच्छा संडे आज छुट्टी के कारण हाँ छुट्टी के कारण तो क्या मेरी माताएं बहनों को ये सच क्योंकि मैं दिखाता हूँ सोमवार को आते हैं जो सोमवार का दिन होता है उन माताओं बहनों का जिनको संतान नहीं होती है तो सच है ये कि बाबा के आशीर्वाद से होता हाँ जी हाँ सच है बिल्कुल सच है जी सर आप पहली बार आए दूसरी बार थोड़ी कहाँ से आए सर
दिल्ली से। दिल्ली से आपको क्या समस्या? मेरा समस्या हर साल हुआ भाई साहब, 3 साल हो गए। हर साल हो दो ढाई महीने है ना घर पे पड़ा रहूं, घर तक लेकर नजर नहीं करता। तो यहाँ पहली बार कब आए थे? एक हफ्ता पहले, पिछले एतवार ना? पिछले 15 दिन पहले। 15 दिन पहले। तो बाबा जी के यहाँ दरबार में आने से कुछ एहसास हुआ? बैठ बैठ आराम से बैठ जा, मतलब कुछ आराम का? हाँ आराम है भाई, आराम है। अब मतलब इतनी तकलीफ नहीं होती? काम बजान का मन नहीं कर रहा। अच्छा। अब भी नहीं कर रहा। अच्छा। मतलब सारा दिन है ना सिर्फ बैठ बैठ चुके। अच्छा अच्छा। हाँ वो तकलीफ में आराम है? हाँ तकलीफ। चलो धीरे धीरे। कितनी साल से है ये समस्या आपको? मेरा 4th साल है जी, लगातार है। 4th साल लगातार है। आपने देखा है यहाँ पर के कुछ बोला वाला भी आप में एहसास हुआ? कुछ नहीं बोला। बाबा जी ने क्या बताया, क्या चीज़ है? बाबा जी ने तो लीवर में थोड़ी दिक्कत बताई थी। अच्छा। प्रसाद प्रसूद दिया था उससे आराम आराम। आपके साथ थे इनके? अच्छा बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप जी कहाँ से? गुवाहाटी था जी। पहली बार आए हो क्या आप भी? पहले फिर आए जी। क्या समस्या आपका? आप कहे खुद का? हाँ जी, घर के बारे में माले काम चलता चलता मेरा रुका है जी। जो करीब नई चढ़ाई लगाई है उसमें भी दिक्कत आने लगी। तो फिर ये तो पूछा करवाने के दिन हो, अलग उस दिन आना चाहिए? पूछा नहीं जी, मना तो चढ़ाई चालू कर रखी है। अच्छा। माले भूत ला ले, प्रेत ला ले या कोई पाछा ला ले। अच्छा। तो इस वजह से मैं मेरा जाप्ता हो जाएगा यो कि भाई काम ना रोकेगा। अच्छा। काम रोक जाता है। हाँ जी बेटा बैठ जाए या तो या फिर इधर निकला बेटा आप, ठीक है उधर निकले हो आप, उधर बैठ जाओ। ठीक है आ जाओ, आओ भैया आओ। नाम कितने बोले? चलो बेटा इधर आ जाओ। आप जी जी कहाँ से? समालका से जी। समालका से। आप भी पहली बार आए? नहीं तीसरी बार आ रही। तीसरी बार आए। हाँ अच्छा, आपका भी समस्या है? हाँ जी यही हो, प्रिपराई की इसकी बताई थी उन्होंने। आराम है? आराम है। हाँ। कितनी साल से भी? ये तो जी कई साल से, जो छोटी सी थी मैं जब स्टेप था। छोटी सी का तकलीफ थी? हाँ जी। तो आने से आराम है आपको? हाँ जी आराम। अब इतना सिद्ध वो आराम है जी, पर पूरा आराम नहीं होया, हो जाएगा हो जाएगा। चलो हाँ। बहुत बढ़िया। हाँ जी विश्वास है, मतलब यहाँ मतलब यूँ तो नहीं ना भाई कोई छोटे मारे, कोई बाल पाड़े, कोई चिमटियाँ थे, कोई इस तरह का फंड तो नहीं करे? ना ना इसी बात। हाँ कई जगह देखता हूँ भाई मैं, इसलिए पूछता हूँ। तकलीफ तो नहीं देते ना किसी तरह की? भाई कोई चीज़ मंगवाते हो ये लिया अब ये लिया कुछ नहीं? सही सात्विक दाम है? हाँ सही दाम है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ताई जी आप पहली बार आए हो? तीसरी बार आई है। हाँ। के तकलीफ से? तकलीफ का तो बेरा ही नहीं, के तकलीफ है रात दिन खर्चा तानी मेरा में, पर कुछ आराम है। आराम है। हाँ। अच्छा अच्छा। कब कितनी साल तक थी समस्या? या समस्या मेरा तो 40-35 साल तक। 35-40 साल से? अच्छा। आराम हो गया ना? भाई आराम इतना ही है, एक बार थोड़ा बहुत नींद आ जाए। नींद आ जाए, बूढ़ा आदमी नींद आ जाए सबसे बड़ी बात हो। हाँ बोल जाते नींद बहुत बढ़िया, तो न्यू लग गई ठीक हो जाए इतना आराम हो गया तो। हाँ लग गया आराम हो जाएंगे ठीक। अच्छा। तो बबन कै कर पी ली थी आज तक बता? कै कर पी ली थी बबन? लिए थे कि मैं 1000-2000 रुपये ना, कोई पैसा लेना नहीं बोलिए तुम्हें को पैसा कोई काम को नहीं बनता। अच्छा बबन तो चाहिए को नहीं रुपये थी? मैं तीसरी बार आई। कहाँ से? थोड़ा नीचे। दिल्ली से। की समस्या भाई? मेरा 9-10 साल से समस्या है, 5-6 साल से ज़्यादा हो रही है। 9-10 साल से? 5-6 साल से घनी होगी। हाँ तो उरा आने फर्क पड़ेगी? हाँ थोड़ा बहुत फर्क है, मगर मेरे सर का दर्द, पैर का दर्द रह रहा है। अच्छा यो रह रहा है। हाँ चलो बहुत बढ़िया हो जाएगा भाई, बिल्कुल हो जाएगा, आपका भी समस्या ठीक हो जाएगी। आप गुड़िया कहाँ से? बारोटी से। बारोटी से पहली बार आए हो? नहीं तीसरी बार। आपका भी यही समस्या है कि? हाँ जी। कितने साल से भाई? मेरे है 15-16 साल से। 15-16 साल शादी हुई थी उस दिन थी। अच्छा 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 अच्छा। तो उरा आने तो बेटा कुछ है आराम? हाँ पहले से। हाँ से कुछ दिखे था क्या करता? कि पता ही नहीं था, पड़ी रह कर दी। हाँ मुंह बोल जा कर। अच्छा अच्छा। तो मतलब क्योंकि लोग पूछे भाई किस तरह डाल की समस्या, इसलिए हम पूछा। हाँ ना पहले से आराम है? हाँ पहले से तो है। अच्छा बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आप जी कहाँ से? जी से बोला नहीं जा रहा मैं से, लेकिन पहले से फर्क है, दूसरी फरक बार है? हाँ जी। दूसरी बार आए? हाँ जी। दिल्ली से? जींद से। जींद से। हाँ जी। आराम है? हाँ जी। चलो बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका, शुक्रिया। बैठे आप भाई पहली बार आए हो? ना भाई तीसरी बार आए। तीसरी बार आए हो, आपको क्या तकलीफ है? मैं तो घरवाली गया, उन्हें लेकर आए हूँ सोनीपत तक गया, बारोटे थे। बारोटी तो बैठे थे पीछे? हाँ जी हाँ जी। अच्छा अच्छा। तो आराम है? आराम है जी। आराम है? हाँ जी।
अच्छा पहले तो, क्योंकि आपने तो एहसास हो है भाई। हाँ ना, आराम आराम है जी आप काफी। जिसके तकलीफ हो उसने तो इतना को नहीं हो, लेकिन घराना ने बेरा पड़ जाए भाई, पहले की एक्टिविटी किसी थी, एक्टिविटी किसी अभी तो काफी आराम है। तो पूरा बाबा कोई फंड तो नहीं बताओ? नहीं 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 ऐसा कुछ ना, सही है, सच्चा धाम है। ओके हाँ जी, कोई लूटा कसूरती तो कोई नहीं? नहीं कुछ भी नहीं लेते जी वो। सही है, आप भी पहली बार आए हो? दूसरी बार। अच्छा आप कहाँ से आए हो? मातनेल से। अच्छा अच्छा, दादरी के पास। आपका खुद का है समस्या? माँ का बूढ़ी माँ की समस्या पर? हाँ कम महसूस हो है, कम महसूस हुआ है थोड़ा बहुत, वो है थोड़ा है बहुत। अच्छा, जी देखो चलो हो जाएगा। ये बूढ़ी कुर्सी बैठी है क्या? ना नीचे बैठी। अच्छा अच्छा चलो हो जाएगा भाई, हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप पहली बार आए हो? दो तीन बार आ गए जी। अच्छा कहाँ से हैं आप? पानीपत से। पानीपत। नाम क्या है? शिव कुमार। क्या समस्या? दिक्कत है जी थोड़ी। 13? अच्छा कितने साल तक है? हो गए जी 8-9 साल हो गए। सेवा कर रहा हूँ, सेवा नहीं मिल रही। अच्छा। लग नहीं रहा सेवा। अच्छा। दूर आने तक की पड़ी है कि बात? हाँ, बोले फर्क पड़ा अभी बुलाया है चल लेना। अच्छा। आज देखो जी बोल लगा कि है वो। अच्छा। रात ना आवाज आया कर दी, कुछते आवाज तेज तेज आवाज आया कर दी। वो आनी बंद होगी? वो बंद हो गई। वो बंद हो गई तो ये डरता तो कोई नहीं? डरता तो मैं शुरू से ही नहीं। अच्छा फिर आवाज आनी बंद होगी? आवाज बंद होगी। चलो फिर तो गणाए फर्क से गणाए आराम से। चेहरे पर भी रौनक है? हाँ चेहरे पर भी है जी। बाकी तो बैठे पुराने भाई दो, इन तो बात करांगे। और इन तो भाई पहले भी इंटरव्यू का देख चुके हैं आप। ये दोनों पति पत्नी बहुत ज़्यादा दुखी थे, बहुत ज़्यादा इतनी समस्या थी इनके। वही वास्तव में सच कह रहा हूँ मैं, शुरू में मिले थे मेरे को तो इतने दुखी थे कि ये मैं पढ़े थे आदमी आगे नोबड़ा चढ़ जाए का नहीं है कुछ नहीं किसी द्वारा कुछ नहीं सारा फिर लिए हम तो ऐसा बोल रहे थे। और अब मेरे को ये दूसरी तीसरी बार मिल रहे हैं, तीसरी बार मिल रहे हैं। तो आप बताएं क्या लगे आपको? बिल्कुल सुखी है सर। अच्छा बिल्कुल सुखी है जी। मरीना को लागे टाई मेहनत तो एक वीडियो तरह लेते हैं आन की तो देखो हमारे कुछ नहीं। अच्छा अच्छा हाँ जी हाँ जी, दया बाबा की। चलो भगवान की दया है, कृपा होती है। सिफारिश करी बाबा जी का हम सुख मिल गया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बस गया तो भाई देख रहे बस गए दोनों धनी वीर का तकलीफ थी भाई सारा घर में। और न्यू कण लगे थे नूला किमे कोनी फंड से दुनिया में के बाबे ने को बूबे किमे कोनी न्यू कण लगे थे। हाँ जी हाँ जी मिल गया हमने। हाँ। कितनी साल तो दिया या तो जी ज्यादा साल 34-35 साल तक समस्या थी सारा फिर लिया था पूरे भारत में फिर लिया था। लेकिन न्यू कण लगा था बोला कुछ नहीं लंबा न्यू दिखाओ से तुम, लेकिन उरा आनते इनकी सारी समस्या ठीक होगी। राज खुश हैं, हंसमुख हैं। बढ़िया रहा जी बाबा जी। आप कहाँ से हैं सर? कोरडा से जी। हैं कोरडा से जी। कोरडा से। अच्छा अच्छा आप किस समस्या? बस दिक्कत है जी घर में। बस घर में ही? हाँ जी। पहली बार आए हो? नहीं चौथी बार आया जी। कि में फर्क पड़ा? पूरा फर्क है जी, पूरा फर्क। जम्मा फिट हो गए। अच्छा हाँ जी सारी समस्या मिट गई। हाँ जी क्या बात है, चेहरा बता रहे आपका खुश है, खुश है। तो ये देखिए खुशी ये होती है खुशी। और भाई हमने भी खुशी हो है जब हम वीडियो दिखाते हैं और वहाँ लोग जहाँ और उनका भला हो जाए ठीक हो जाए तो हमने भी खुशी हो जब आप लोग मिलो ना। तो यू हमारी मेहनत है, मेहनत का फल है यू हमारा तनख्वाह हमारी है, एक किस्म तो दिहाड़ी हमारी है कि आप जैसे लोग मिल रहे खुश होने का। लंबा साहब आपने बताई थी बड़े ठीक हो गए आपका वीडियो देख के आया था। वीडियो देख के हाँ जी। तो अब ये बताओ कि अब इतने लोग ठीक हो रहे हैं, दुआ ये आपकी जो दुआएं मिलती है प्यार सने मिलता ना ये हमें खुश कर देता और चार्ज हो जाओ हम। हाँ जी, हाँ, और दिखाने की कोशिश करा। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है। नाम क्या आपका? बलजीत सिंह। बलजीत सिंह। तो कितनी साल तक थी समस्या? कम से कम 13-14 साल से। 13-14 साल से जी। तो और भी गया अकड़े हंडे तो न्यू विश्वास सा है कि मैं बोलू था जी सही। तो अब खुश है? हाँ जी बिल्कुल ठीक। दया बाबा की ठीक हो। पास बाबा ने कितने रुपये मांगे? एक रुपया भी नहीं जी। चाह का कप भी नहीं पिया भाई साहब। चाह का कप चाह तो पियो को नहीं जी नहीं। रुपया तो बहुत दूर की चीज है। ये तेन क्या मेरे पे ले लो। हाँ, सही बात है। ले जाओ ले लिया ये तो कहते हैं खुले आ और ले जाओ भाई बाबा का दरबार भरिया है। ठीक है मोटे साहू कर दो रही भाई। हाँ। बिल्कुल मोटा साहू कर है। देखो वास्तव में सही बात है। बात तो होगी तो कई बात कही। देखो देखो 45 साल से 50 साल हो गए इनको, 70 साल की उम्र होगी इनकी। बचपन से तपस्या करने लगे थे 45 लगातार अनेक धुनों की तपस्या करी है, जल धाराएं करी हैं। हर अमावस पूर्णिमा को हरिद्वार जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं, वनों में भी तपस्या करी है, घर में भी तपस्या करी है। और भाई आज भी इनको ये कहने वाला नहीं है कि मेरे से एक रुपया ले लिया ना। ये कहते हैं कि भाई जीव हूँ इतने
बाकी का जो भाई जो पर्ची है 100 रुपये की पर्ची कटती जरूर भाई यहाँ पर, वो न्यू है वो उरे लगा दें भाई, इन कट ले जाने हैं, चाय बा पानी है, पानी के कैंपराओं हैं, बिजली के बिल हैं, कूलर चालेंगे, पंखे चालें भाई, जो भी है ये कोई बड़ी बात नहीं भाई, 100 रुपये और कुछ नहीं लिया जाता यहाँ पर। हाँ तो भाई आ जाओ और बात कराऊंगा मैं तारी। अब इससे कितना राम गुड़िया में इस तुनू कहता है बाबा जी इसमो पूरा है, कहता ना पीछे कित गए फिर वो मेरे में भी था, तेरे में भी था और इसमें भी था, कित है फिर देखा मेरे ते भी है नहीं बे, कित खोया आपने खोया हमने खोया, मैं के देखते मैं बड़ गांव में कित छोड़ गया हूं, तो दवाई तो आपके पास में है ना, ये मेरे दर्द कुछ नहीं भाई, मेरे दर्द नहीं लगते, परमात्मा का वास्ता है वही तो, वो सारा का मेरा थोड़ा है, मैं तो चरणों के दास सारे पब्लिक का भी रुसा भी, मैं तो कुछ करना है नहीं भाई, जितनी पब्लिक है ना यहाँ 33 करोड़ दीदे होता सरमाथे में हैं और भाई बंद भी, भाई बंद यानी तकलीफ के अनुसार धरती भी करोड़ लाख जाए बाबा जी कड़ा है बाबा जी, और मेला का जब ना जब तुम टोगे थारे अंदर है कहीं मत जाओ, नहीं अंदर है जी सच्चाई बात से, अच्छा इब आत्मा से परमात्मा को याद रखो, रोटी खाओ और मस्त रहो, जो को तकलीफ होगी मैं बैठा हूँ ठीक है, ना चुराहे में जाना ना काली में जाना ना कहीं नहीं जाना जी, ना काली में जाना ना भूतनी में जाना ना चुराहे में जाना ना किधर खुआना, अपनी आत्मा से दान कर तो गऊ का कर, दान करे धन चाहिए तो मछली को जमा, कीड़े मकोड़े को जमा, भूखे को रोटी दे, गाय को दे, जो आशीर्वाद मिले तेरे को, जब चुराहे में जाने में उड़े कुत्ते खाएंगे, शमशान में चला जाओ उड़े भी कुत्ते खाएंगे, उड़े को माता बैठी नहीं उड़े भी राख है कहाँ ये, मैं भी नहीं टोहूँ देव ना मेरे भी मन के मन में है और कहाँ तेरी काली कड़ गई बाबा जी, ये बता रहे भंडारा कितनी तारीख का है पता है, ये बड़ा बता 22 जून का बताओ है, जून का है लंबा है अभी तो, अप्रैल मई मई पड़ी है, 22 जून का है, दिन शनिवार का है, सारे देश का चूल्हा नोंद है, चारों फुट का चूल्हा नोंद सुधा उनके कुत्ते, अच्छा भूखे रहेंगे वो भी खा लेंगे, हाँ जेठ की पूर्णमासी का, जेठ की पूर्णमासी थोड़ी हो भाइयों सबका चूल्हा नोंद सारे थरे कुत्ते थे, अच्छा उस दिन जो महायज्ञ होता है उस दिन घर से के लेके आना हो बहुत से फोन आ उन लोगों के, उसके कुछ नहीं लेना आत्मा से, आत्मा समझ गांव आते एक नारियल सूखा हो भी कुछ नहीं बांधना उसके, सूखा नारियल अपने परिवार का हाथ लो आया उससे सारा परिवार आ जाओ, वार कर एक माँ आप छोड़ जाओ, जो कोई मांगोगे वो आत्मा से मांगोगे वो प्राप्ति होगा, आत्मा से मांगोगे तो जो घर के संकट है वो भी कट जाए, हाँ तो मैं कल आत्मा से मांगोगे तो जो पाप होगा मराड है ध्यान दे पर मरा के रह की तरफ अमन में नरियल गेनू आराम नहीं लगेगा, आत्मा साफ करके आ जाओ गंगा की तरह पवित्र हो जाओगे और मौज लोगे, बिल्कुल जाओ, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया। तो देखिए ज़्यादा समय में भक्तों का न लेते हुए आप लोगों को बता देता हूँ बड़ौता का रास्ता और दिन किस किस दिन आना पड़ता आपको, 7 जो तारीख आएगी अभी मई की, उसके बाद कोई नंबर नहीं लगेगा, 7 तारीख से आप पहले आओ और पूछा करवाओ, 4 दिन पूछा होती है यहाँ पर, मंगलवार बुधवार गुरुवार और शुक्रवार, पहले नंबर लगते थे फ़ोन पे भी लगाए जाते थे नंबर, लेकिन अब कोई नंबर नहीं लगेंगे, 7 तारीख तक बुक है, 7 के बाद जो भी आएगा सुबह अपना पहले नंबर लगाओ, 40 ही आदमी लेंगे, 40 आदमियों को लिए जाएगा, जो सबसे पहले आएगा सुबह उनकी पूछा देख दी जाएगी, उससे अगले दिन उनका दूसरे का अगले दिन नंबर आएगा, 200 आदमी ही 4 दिन के अंदर निकाले जाएंगे 200, ये बाबा जी हमेशा कहते हैं, पिछली वीडियो में मैंने बता रखा है, फ़ोन के ऊपर कोई किसी प्रकार की चीज़ नहीं बताई जाती, विदेश में जो बैठे हैं इंग्लैंड जापान अमेरिका ऑस्ट्रेलिया कनाडा वो सिर्फ फ़ोन पर संपर्क करें, वो भी रात्रि को 8 बजे और सुबह 7 बजे के बाद 9 बजे तक, वो विदेश के कोई बाबा जी के फ़ोन पे नंबर पे संपर्क न करें, जो सचिन भाई का नंबर है सविन भाई का है उस पर संपर्क करके आप पूछ सकते हैं कि किस समय बाबा जी से बात करें, बातें करवा देंगे आपकी, वो सिर्फ विदेशी लोगों की, और बाकी का जो है शनिवार को झाड़ा लगता है हर प्रकार की समस्या बीमारी का, और संडे को जैसे आज भूत प्रेत बाधाएँ ओपरी जो भी समस्याएँ मानसिक रूप से रोगी हैं उनके लिए दिन होता है, और सोमवार को दिन होता है उन माताओं बहनों के लिए जो किसी भी प्रकार से किसी कारण से
मां नहीं बन पाते हैं या नहीं संतान दंपति जो है कोई भी कारण रहा हो उसके लिए सोमवार का दिन होता है। तो यहाँ पर भाई करीब 45 से 50 साल हो चुके हैं बाबा जी को, हजारों बाबा जी लाखों कहते हैं, हम भी कहते हैं हजारों, हमारे सामने भी हजारों माताओं बहनों को यहाँ संतान मिल चुकी है। तो वो आ सकते हैं, 62 साल की 60 साल की महिलाओं को बच्चे हुए हैं यहाँ पर। गोहाना से सोनीपत रोड पे, सोनीपत जिले का जो है तहसील है गोहाना हरियाणा में, गोहाना से सोनीपत रोड पे मात्र 3 किलोमीटर चलते ही जो रोहतक पानीपत वाला और ब्रिज है बाईपास का, ठीक उसके नीचे ही गांव है बड़ौता, नगर बड़ौता बोलते हैं जिसको, वहां आए भाई कई बड़ौत चले जाए कोई बड़ौदा चले जाते हैं, बड़ौता बड़ौता नगर बड़ौता गोहाना के अंदर ही है समझो आप। किसी से भी पूछिए आप, यहाँ पर आप आ सकते हैं, अपना नंबर लगवा के अपनी बारी का इंतज़ार करें, वीडियो को थोड़ा शेयर कर दें ताकि और किसी के पास पहुँचे तो वो भी अपने संकटों को दूर करवा सके। जय हिंद, नमस्कार।